हेलो, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो आप सब? तो जी, मैं आज आपसे एक अपना स्पेशल ओकेजन आज शेयर करूँगा। मैं आपको बता नहीं सकता कि वैसे मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि भाई कि ये स्पेशल ओकेजन हम कैसे मिस कर देते हैं। ठीक है, तो अभी मैं उसी स्पेशल ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो केक लेने जा रहा हूँ। तो मैं अपनी वाइफ को एक मिनट आइजा, मैं अपनी वाइफ को हिमानी को आज सरप्राइज दूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये हर एक को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आज इवन के आप मानोगे नहीं, 14 साल में मैंने कभी इस ओकेजन को सेलिब्रेट नहीं किया, तो आज कर रहा हूँ 14 साल बाद, 14 ईयर्स के बाद। तो कोई बात नहीं, जब मैं अपनी वाइफ हिमानी को ये सरप्राइज दूंगा, ठीक है, आपको भी पता चल जाएगा कि ये ओकेजन है क्या। तो फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ केक लेने के लिए, सोचता हूँ कि उसके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा बुके भी ले लूँगा, तो उसको अच्छा लगेगा। ये छोटे छोटे ओकेजन्स जो हैं वो बहुत मायने रखते हैं। आज मैंने दिल से रियलाइज़ किया कि भाई ये छोटे छोटे ओकेजन्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए, आपको आगे जाके पता चल जाएगा कि भाई ये आज ओकेजन क्या है और हमें क्यों ये ओकेजन सेलिब्रेट करना चाहिए ज़रूर। ठीक है, खैर है तो दोनों का ओकेजन है, पर मैं आज मेरा मन किया कि मैं आज ना हिमानी को ज़रूर सरप्राइज दूँ और उसको अच्छा लगेगा कि ठीक है यार। चलो खैर, जाते हैं केक कुक लेते हैं, देखते हैं, डिसाइड करते हैं कौन सा केक लेते हैं। तो जी, मैं पहुंच गया हूं, मैं इधर आया हूं बॉम्बे बेकरी पे। तो कैलगरी में भी बॉम्बे बेकरी है, तो यहां से केक लेंगे, फिर कहीं से करेंगे बुके अरेंज, देखते हैं कहां। अभी मैंने, मेरे को पता नहीं है मैंने कहां जाना है, पहले केक देख के डिसाइड करके ले लेते हैं पहले। चलो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि 14 साल में पहली बार सेलिब्रेशन। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं मेरी वाइफ हिमानी क्या रिएक्ट करेगी। चलो जी, निकलते हैं, स्टिल कैलगरी में स्नो है, चलते हैं, एंटर करते हैं बॉम्बे बेकरी में। आ जाओ, व्लॉगिंग ऑन है। तो जी, मैं एक्चुअली, मेरे को ना केक चाहिए। आपके पास ये केक रेडी है? नहीं सर, ये डिस्प्ले नहीं है, ऑन ऑर्डर बना देते हैं। ऑन ऑर्डर नहीं, मेरे को रेडी चाहिए केक। ये केक रेडी है, इनमें से देखते हैं, डिसाइड करते हैं कौन सा लेते हैं। अपनी इंडियन बेकरी भी है इनके पास, देखो ये बिस्किट कुकीज़ हैं, अच्छे हैं। ये देखो खट्टी मीठी गोलियाँ, अनारदाना, कैंडी, ये वो सब अपना अपना सारा इंडियन टच है सारा इधर। चलो कम टू द पॉइंट, अपना डिसाइड करते हैं केक कौन सा ले। हाँ जी, केक का हो गया काम। अब यहीं ना पास में मैंने ना स्टाफ से पूछ लिया ना, कह रहे कि नेक्स्ट प्लाजा में ही है बुके वाला ना, तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो बस बुके लेंगे और सीधा घर। तो मैं ना इधर सेफ वे ग्रॉसरी स्टोर में आया हूँ, क्या पता इधर से कोई बुके मिल जाए। हाँ, पड़े हैं बुके, तो यहाँ से ले लेता हूँ मैं। ये पड़े हुए हैं, एक यहीं से ले लेते हैं, बहुत ऑप्शंस है। ये तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स है ना, अब आप फ्रेश लेंगे। छोटा सा लेना है यार, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, छोटा कोई सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो जी, बुके भी डन, ये पड़ा बुके। अब चलें घर, हमारा हो गया कंप्लीट। 14, इतना आज अच्छा लग रहा है ना कि 14 ईयर्स बाद कोई ओकेजन ऐसे सेलिब्रेट करना। चलो खैर, अच्छा लग रहा है मेरे को, अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है। जब हिमानी आ जाएगी, मेरी वाइफ आ जाएगी, फिर सब रिवील करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वेट करते हैं और अभी घर चलते हैं। तो मैं आ गया था घर,
अभी बस हिमानी की वेट कर रहा हूँ, हिमानी भी आ जाएगी बस 10-15 मिनट में। पता नहीं क्या कहूँगा, देखता हूँ सिचुएशन कैसी बनती है, क्या मेरे को कहना पड़ेगा, उसको झूठ बोलना पड़ेगा। होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस, सब अच्छा हो, सब अच्छे से सेलिब्रेट हो और अच्छे से हम अच्छे से मैं उसको हिमानी को जो है वो सरप्राइज दे सकूं। हिमानी घर आ गई है। हिमानी को मैंने झूठ बोला कि हमने किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो वो तैयार हो रही है, तो अभी आ गई हुई है, तो बस अभी ना उसको थोड़ी देर में सरप्राइज देंगे, वेट करो। पूरा प्रोग्राम ऑल सेट है, हिमानी तैयार हो रही है, बस जैसे ही आएगी बाहर अपन सेलिब्रेशन शुरू कर देंगे, सरप्राइज स्टार्ट। ठीक है, अभी हिमानी बाहर आएगी तो बस मैं शुरू करने लगा हूँ, बस हिमानी की वेट करते हैं। हम पहली बार मिले थे ना, आज के दिन खोल ये देखो, मैंने सभी को ये कहा था कि ये सबसे स्पेशल दिन होता है, पता है, सबसे स्पेशल दिन एनिवर्सरी से भी सबसे ज्यादा स्पेशल दिन होता है जब पहली बार मिलते हो आप किसी। अब हमारी एक्चुअली हमारी अरेंज मैरिज थी, तो हम फर्स्ट टाइम मिले थे आज के दिन, और आज के दिन ही हमारा रोका हो गया था। तो ये हमारे अब देखो 14 ईयर्स हो गए, 14 साल के बाद मैंने आपको कहा था ना कि बाद में रिवील करूंगा, 14 साल के बाद मैंने जो है वो ये दिन मना रहा हूँ, बल्कि मेरे को ये हर साल मनाना चाहिए, ये एनिवर्सरी से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन है। आ जा इधर हो जा। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन होता है, मैं ये सभी को यही सलाह दूंगा कि सभी मनाएं, और मैं भी आज से ये सेलिब्रेट किया करूंगा हमेशा। वो क्यों? क्योंकि ये अगर तुम किसी अनजान को फर्स्ट टाइम मिलते हो और फर्स्ट पहले दिन ही तुम्हारा रोका हो जाए, ये तो परिवार मिलते हैं, बातें करते हैं, हम इधर आ जाते हैं, इधर आ जा बैठ के बात करते हैं इधर। तो हम फर्स्ट डे जब हमारे परिवार मिले, हम मिले, तो उसी दिन ही हमारा रोका हो गया था, है ना? हाँ। तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है, मेरे एकदम से दिमाग में आया, मेरे मन में आया कि यार ये तो बहुत ज़रूरी है सेलिब्रेट करना, ये तो एनिवर्सरी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनिवर्सरी तो तब मनाते हैं ना कि जब हम एक दूसरे को जान जाते हैं, ठीक है, शादी होने के बाद। ये हम एक दूसरे को कोई नहीं जानते, ठीक है ना, एक दूसरे को कोई नहीं जानते, हमारा फर्स्ट डे मीटअप, तो आज के दिन हमारा फर्स्ट डे मीटअप हुआ था और आज के दिन ही हमारा रोका हो गया था। तो ओपन करो पहले, ये तो खोलो इसमें, मैं पकड़ता हूँ, अच्छा खोलते, चल दिखा दे, मैं आज इधर ही बैठ जाते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं इसको थोड़ा ऐसे, आ जाओ, अच्छा आई लव यू। मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं लिख सका क्योंकि अपने पीछे लिखा हुआ कुछ, हाँ मैंने पढ़ लिया, क्या था, क्या लिखा हुआ, व्हेन वी फर्स्ट मेट, हाँ फर्स्ट टाइम। चलो इसको भी ओपन करो, मेरे लिए तो पूरा सरप्राइज, मैं तो तैयार होके बाहर आई, ओह वाओ रोजेस, हाँ तेरे को अच्छे लगते हैं ना, हाँ तेरे को रोज अच्छे लगते हैं, तभी मैं लेके आया हूँ, चल चल दिखाओ, आइजा प्लीज पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ काका, आपको भी दिखाएंगे, आज मम्मा का स्पेशल दिन है ना, मुझे मिला पड़ा है, एक मिनट, क्या बात, ये सुंदर है, वैसे सुंदर है, देखो हिमानी को रोजेस बहुत पसंद है, मैंने येलो वाइट रेड ये वाले रोजेस लिए थे, बहुत अच्छे हैं भाई, आइजा नहीं टच नहीं करते, अच्छा लगा, थैंक यू। Simple as it seems, the twinkle in your eyes, the way that time slows down. मतलब ये देख लो कि मैं सभी को यही एक सजेशन देता हूँ कि जब भी आप अपनी वाइफ से पहली बार मिलते हो ना, तो ये डे जरूर मनाओ, है ना, ये स्पेशल डे है, वैसे एनिवर्सरी से भी ज्यादा स्पेशल डे ये होता है, रोका डे, हाँ रोका डे, हमारा तो रोका हो गया ना, हमारा रोका हो गया था, फर्स्ट डे मिलके ही हमारा रोका हो गया था, पर इधर आ जा बीच में थोड़ा, इधर आ जा, पर पहले दिन मिलना किसी अनजान को और सब कुछ हो जाना, और एक एक तरह से सिलेक्शन ही होती है जीवन साथी की, है ना, तो ये सब कुछ हो जाना ये बहुत बड़ी बात होती है, एनिवर्सरी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दिन होता है।
चलो खैर अब हम सेलिब्रेट करेंगे। ये देखो जी, अब एक और। ये क्या कर रहा है? ये केक है। मेट फर्स्ट टाइम। आज मैंने इसको झूठ बोला था कि हमारे कोई नॉन है। हाँ, ये उनका था? हाँ उनका बर्थडे है, पर आज ये हमारा स्पेशल डे है। इधर आ जा, पास आ जा थोड़ा। आज हमारा स्पेशल डे है। तैयार कर दिया पूरा। तो तैयार होके तो मनाएंगे ना, तैयार होके ही मनाया जाता है। चलो अब केक कट करते हैं। चलो हम बर्थडे में जाने पहले मैं सोचूं एक मिनट खराब हो जाएगा। आज छोटी सी सेलिब्रेशन और ये हमारे लाइफ की बहुत बिग सेलिब्रेशन है, और आज से हम ये पहले मनाया करेंगे। बाकी तो चलो खैर एडवर्सिटी तो हर कोई मनाता ही है। चलो अब सेलिब्रेशन करें शुरू। केक कट करते हैं, खाते पीते हैं। चलो चलो हम लोग पहले जाए। देखो अच्छा लगा। हाँ। पहले हम बाहर जाने की तैयारी में थी। नहीं बाहर नहीं, अंदर ही है हमारा। चलो चलो फिर केक कट करते हैं। चलो वो तो स्टिल ही होगी, बिल्कुल शांति होगी। क्या हुआ? हेलो मैं तो बाहर निकलने की तैयारी में थी, कहते बर्थडे पार्टी है, पता नहीं क्या कुछ है। चलो फिर अब करें सेलिब्रेशन। चलो लेट्स सेलिब्रेट आवर फर्स्ट मीटअप डे। व्हेन यू किस मी एज वी फॉल असलीप इन अ बेड ऑफ बटरफ्लाइज जस्ट क्लोज योर आईज एंड देन यू विल सी इट। यू डोंट एवर हैव टू लुक टू फार, you don't have to cover up your scars, you're perfect darling just the way you are, so before you think to rip yourself apart, open up my heart and you'll find love, love, love. Kya? Tu dusri taraf se khol de. Cake acha hai na? 1, 2, 3. चलो जी अब इसको क्या बोले, इसको कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। चलो एक सेलिब्रेशन है, हैप्पी रोका डे कह दो। चलो चलो कहते ना कि देर आए दुरुस्त आए, कभी तो आए ना, ठीक है ना। सही है। चलो जो भी आए। मैं आपको भी खिलाऊंगी। नहीं नहीं मैं ऐसा मैं पहले मम्मा को खिलाऊंगा। केक बहुत टेस्टी है, वेरी नाइस केक। हैप्पी रोका डे और फर्स्ट मीटअप डे, खुशियाँ मनाओ, सेलिब्रेशन करो। और मेरे को केक खाने की बड़ी अच्छी इच्छा हो रही है, मैं पहले खा जाता। अब टूट पड़ो, जैन कुली की मैन कुली की जैन। चलो जी टूट पड़ो, टूट पड़ो, बच्चे अपने आप खाएंगे। चलो कर देती हूं, प्लेट में डाल देती हूं, इजीली हो गया। अच्छा केक खा, केक खा। मैं ऐसे ही खाऊं। आज वैसे मेरे को एक बात का जवाब दे, तू एनिवर्सरी पे इतनी खुश नहीं होगी जितनी आज के दिन खुश हुई। हां ये तो है, हमने सेलिब्रेशन आज अपने स्पेशल डे की कर ली, फर्स्ट मीटअप डे की सेलिब्रेशन हमारी हो गई है। और मेरे लिए पूरा सरप्राइज था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था, इसको कुछ भी नहीं पता था। मैं तो बाहर आई, मैं कहा चलो हम चलते हैं, मैं बैग उठाने लगी थी, मैं कहा चलो चलें कार में। चलो खैर अपनी वाइफ को ऐसे ही स्पेशल फील कराया करो, वाइफ बहुत स्पेशल होती हैं, कितना सेक्रीफाइसेस करती हैं। चलो खैर ठीक है, मैं अब ज़्यादा क्या कहूँ, मैं कह नहीं पाऊँगा इतना ज़्यादा। तो हमारी इस छोटी सी सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए, उसका पार्ट बनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। आपने सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है? नहीं सुबह से नहीं, हाँ सुबह से स्टार्ट किया हुआ है। हाँ सुबह से, सुबह से स्टार्ट किया, पर मैंने रिवील अभी किया कि मैं क्या किस मतलब सेलिब्रेशन कर क्यों रहा हूँ। अच्छा हाँ okay. तेरे को जब पता चला, जब ही सभी को पता चला कि मैं क्यों आज सेलिब्रेशन कर रहा हूँ, क्या क्या रीज़न था और क्या वजह थी। तो इसी के साथ इस व्लॉग का, इस छोटी सी सेलिब्रेशन का करते हैं एंड। प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में हमारा चैनल और हमारी वीडियोस प्लीज़ शेयर करते रहिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करना, और बड़े अपना आशीर्वाद देते रहिए और छोटे अपना प्यार देते रहिए। तो फाइनली करते हैं, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।